हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी दो वीडियो यहाँ पर अपलोड करी है इसके पिक्चर में थोड़ी सी इशू आ रहा है ओके okay? वो, वो इसलिए वजह से अपलोड नहीं हो जैसी हो जाएगी वो पिक्चर भी आपको दिख जाएगी थंबनेल बट uh, हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि थमनेल में आपने देखा ही है कि तीन शेयर से रिलेटेड जिसमें मुझे लग रहा है पोटेंशियल काफी ज्यादा है एक शेयर में मैंने मैं बाइंग कर ली है दूसरे शेयर में भी बाइंग है और एक शेयर को मैं सोच रहा हूँ उसे बाइंग करने की देखते हैं कल के बाद या परसों यहाँ पर बाइंग करने की मैं यहां पर देखूंगा बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े और जाने उन स्टॉक से रिलेटेड आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉर एवर इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर टाइमली पहुंचाई जाए ताकि आपका पैसा यहाँ बनता हुआ नजर आए और यहाँ पर दूसरे शेयर से यहाँ पर जाइए देखिए इन वीडियोज को ताकि इस तरीके से आपको नॉलेज मिल सके किसी तरीके का ज्वाइंट बटन किसी तरीके के पैसे नहीं पर नहीं लिए जाते सिंपल यहां पर वीडियोस अपलोड की जाती है आपको बताया जाता है आपको सिखाने की कोशिश की जाती है तो आ, आप लोगों का ऑलरेडी मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है बट यहां पर आ, शेयर भी करना करिए दूसरे लोगों के साथ ताकि शेयर करेंगे तो वो लोग भी देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे और उनका भी पैसा मार्केट में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा क्योंकि हमें मार्केट में आ, हम, हम, इंडिया में बड़े कम लोग हैं जो पैसा बनाते हैं बट आप हमें फॉलो करते रहिए पैसा डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा प्ले को गो थ्रू करिए वीडियो को गो थ्रू करिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आइए वीडियो की तरफ और जानते हैं उन पर्टिकुलर स्टॉक से सबसे पहले हम बात करेंगे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड इस स्टॉक में मैंने आज बाइंग करना शुरू किया है क्यों किया है उसके पीछे अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कृष्णा की तो देखिए अभी तो शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं इससे रिलेटेड एक अलग स्पेशल वीडियो बनाएंगे तब जानेंगे और भी सारे डिटेल्स बट अगर हम यहाँ पर देखें जैसे कि मेडिकल इंस्टीट्यूट है इसका आईपीओ अभी आता हुआ दिखाई दिया था वाज इन कॉपरेटिव इन नाइनटीन सेवेंटी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपरेट हेल्थ केयर ग्रुप इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन टर्म्स ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफर द कंपनी ऑफर मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर सर्विस एंड प्राइमरी सेकेंडरी टियर के एक केयर अक्रॉस 2 3 टियर्स इट इज एंड एन एडिशनल कॉटनरी हेल्थ फैसिलिटी इन टियर वन सिटीज अगर बात करें ये जो कंपनी है ओके okay, जो ये हॉस्पिटल्स है एक्चुअली हॉस्पिटल है और अगर बात करें यहाँ पर ये किस में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पर साउथ में यहाँ पर ज्यादा दिखाई देते हैं ओके okay, ये ये जो पर्टिकुलर uh, कंपनी के जो स्टॉक्स uh, जो ये uh, ऑफ मेडिकल साइंस है जो हॉस्पिटल है ये आपको साउथ में दिखाई देगा और यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इंट, इं, इंटरनेशनल पेशेंट भी है टॉप टेन प्रोसीजर वगैरह इससे रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे आ, प्रोस, आ, प्रोस्टिट्यूट ये कंपनी करती हुई दिखाई देती है सॉरी अगर मेरा प्रोनाशिएशन गलत हो तो और ये इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारे सब चीजों में ये काम करते हुए दिखाई देते हैं टॉप डिपार्टमेंट की बात करें तो देखिए का, कार्डिक साइंस डेंटल ओके okay, गैस गैस्ट्रोट्रोलॉजी ओके okay, हार्ट एंड लंग्स से रिलेटेड न्यूरो साइंस ऑनकोलॉजिट लॉजिकल साइंस ऑर्गन ट्रांसपेरेंट ये सभी चीज करते हुए दिखाई देते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर एक बार वेबसाइट में जाइएगा तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा इससे अलग एक वीडियो बनाएंगे तब इससे रिलेटेड और बातें करेंगे यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे चीज़ों में कंपनी डील करती हुई नजर आती है और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये यह कंपनी मुझे एटलीस्ट यहाँ पर नजर आ रही है जो इन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इस रिजल्ट और बात करें यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पर देखिये तो देखिए मार्केट कैप दस हजार करोड़ रुपए के आसपास का है मतलब ये कंपनी अभी भी स्मॉल कैप में ही है पी रेशो की बात करें फोर्टी नाइन का पी है आर ओसी उनतीस का डेट की बात करें थर्टी सेवन परसेंट का डेट है कोई शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है दस का यहाँ पर फेस वैल्यू है और कंपनी का ने यद हाई बनाया था ना जो तेरह सौ अठानवे रुपए के आसपास हाई बनाया था और इस बार यहाँ पर बारह सौ छप्पन रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है तो मतलब आप समझ रहे हैं शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर शेयर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और अभी यहाँ पर मैं और दूसरे शेयर से आपको आप कंपेयर करके दिखाऊँ तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल और मेट्रोपोलिस से यहाँ पर कंपेयर करेंगे बाकी से नहीं करेंगे यहाँ पर देखें देखिए अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो ये भी स्मॉल कैप है और इसका मार्केट सॉरी ये लार्ज कैप है अड़सठ

फिर भी आप देखेंगे तो देखिए पाँच सौ बारह पाँच सौ सड़सठ छह सौ चौसठ नौ सौ अठारह तो मतलब कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर सेल्स कर रही है मतलब यहाँ पर कंपनी अः यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर रही है और यहाँ पर अभी देखिये तो यहाँ पर देखिए पिछले यहाँ पर मार्च दो में तेरह तक पहुंच गए पिछले पांच साल में कंपनी तीन गुना हो गई है नेट प्रॉफिट सत्ताईस करोड़ से दो करोड़ हो गया है यहाँ पर देखिए बीच में दो हजार में लॉस होता हुआ दिखाई दिया था जस्ट बिकॉज इनके एक्सपेंस कुछ ज्यादा हो रहे थे इन कंपेयर टू यहाँ पर रेवेन्यू बट अब रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है और एक्सपेंस भी

पर सबसे मेन बात क्या है देखिए अच्छे स्टॉक्स में जब भी 50 डीएमए के आसपास शेयर आए ना तो आपको ले लेना चाहिए तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो देखिए 50 डीएमए के आसपास ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया है और 50 डीएमए के आसपास बहुत कम शेयर होते हैं जो कि आते हैं और आने के बाद अगर आते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हुआ थोड़े टाइम बाद यहाँ पर शेयर फिर कभी भागते हुए दिखाई देते हैं तो शायद ये शेयर आपको पोलन फ्लैग यहाँ बनाया फिर अगर दोबारा पोलन फ्लैग बना के ऊपर निकल सकता है क्योंकि इसके जैसे ही अभी रिजल्ट अनाउंस होने वाले होंगे तो ये शेयर फिर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा तो याद रखिए थोड़ा सा जैसे ही कोरोना की थर्ड वेव कि भई बातें चल रही है अगर इस तरीके की दोबारा वेब भी आती है तो ये कंपनी अच्छा खासा दोबारा यहाँ परफॉर्म पर, करती हुई दिखाई देगी बट उसे भी छोड़ देते हैं तो हम बात करते हैं सिंपली ये कंपनी के आ, रिजल्ट से रिलेटेड तो देखिए कोरोना से पहले भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके यहाँ पर दिखा चुकी है तो कंपनी आगे भी इस तरीके से परफॉर्म करेगी और कंपनी अपने आप को और एक्सपेंड करने वाली है जिसके लिए आई पी ओ भी लाए थे और मार्केट में लिस्ट कराया तो इसलिए शेयर और भागता हुआ दिखाई देगा तो इस शेयर की तरफ नजरें बना के रखिए इसके अलावा हम बात करते हैं एक और

और यहाँ पर पांच का यहाँ पर फेस वैल्यू भी है और यहाँ पर देखे तो जब से यहाँ पर शेयर आया यहाँ पर एक गिरावट ही होती हुई नजर आई है इस चीज को थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा और यहाँ पर भी एक बार पढ़ लेते तो स्टॉक इन ट्रेडिंग मतलब बुक वैल्यू से ज्यादा चल रहा है होल्डिंग लो मतलब प्रोमोटर्स अभी आए थे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम करी थी ओ एफ एस यहाँ पर लाते हुए दिखाई दिए थे थोड़ा सा और अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम यहाँ पर कुछ ज्यादा होती दिखाई दी थी बट अगर हम कंपेयर करते दूसरे डायग्नोस्टिक शेयर से जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब से अगर हम एक बार कंपेयर करते हैं देखिए ये दोनों ही स्मॉल ये स्मॉल कैप है ये माइक्रो कैप कंपनी है पी की बात करें एटी सेवन का पी है या फोर्टीन का पी है एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें मार्केट कैप की तो देखिए इसका जो मार्केट कैप है इसका बीस हजार सॉरी चौंतीस हजार करोड़ का ये लार्ज कैप कंपनी है और ये स्मॉल कैप कंपनी है ओके ये प्राइस था सॉरी मैंने देखा नहीं और यहाँ पर अगर हम देखते हैं और भी कुछ चीज़ों की तो आर देखिए इसका थर्टी का है और इसका वन ट्वेंटी नाइन का है, तो यहाँ पर सस्ता नज़र आ रहा है ये शेयर दोबारा अखबार देखिए क्वार्टरली रिजल्ट तो है नहीं और अभी भी अभी मैं इसे बाइंग सेलिंग की आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बट मैं इसके बेसिस पर बात कर करी तो देखिए कोविड से पहले भी यहाँ पर भी देखे तो यहाँ पर थर्टी सिक्स तो कंपनी देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा था और यहां पर कोविड के बाद तो और ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पर यहाँ पर कंपनी ने परफॉर्म किया है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जहां घाटे में चल रही थी यहाँ पर एक सौ पिचासी करोड़ रुपए का यहाँ पर इस बार का यहाँ पर प्रॉफिट का जनरेट किया है यहाँ पर एक सौ पिचासी में अगर बात करें यहाँ पर अदर इनकम भी कुछ इंक्लूड है इस चीज को भी देखना

अगर देखे ऊपर तो यहाँ पर वन परसेंट का बोरिंग दिखा रहा था और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है कैश की बात करें कंपनी के पास एक करोड़ का कैश भी है एक करोड़ रुपए का जो भी पर पैसा आता है बुक में दिखाई देता है और कंपनी देखिए घाटे से यहाँ पर प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है मतलब आर भी इसका बढ़ रहा है चार्ट पैटर्न अभी नहीं है बट अगर हम बात करें कृष्णा डायग्नोस्टिक की तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कृष्णा डायग्नोस्टिक तो देखिए कृष्णा डायग्नोस्टिक के साथ हुआ क्या है कि ये शेयर यहाँ पर आया है ओके okay, कल इसका आई थिंक अनलॉकिंग पीरियड खत्म होगा एंकर इन्वेस्टर्स का जैसे पता ही है एक महीने तक वो पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो कल शायद ये शेयर और थोड़ा यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई देगा बट यहाँ पर एक कंसिस्टेंट गिरावट होती ही नजर आई है एक हजार ग्यारह सौ रुपए के आसपास के लेवल पे जाके ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है आठ सौ रुपए के आसपास ये शेयर अब चल रहा है साढ़े के आसपास और यहाँ पर ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको पता चलेगी ये पच्चीस के आर पे चल रहा है ये शेयर और ये जिस तरीके से इसके ईयरली बेसिस पे रिजल्ट है मुझे लगता है इस बेस पे नहीं चलना चाहिए इसे थोड़ा सा तो थो एटलीस्ट मूव करना चाहिए बट थोड़ा सा पर और गिरावट हो सकती है तो अपनी समझ के हिसाब से और दूसरा एक बार इसके और रिजल्ट आ जाए के उसके बेसिस पे ना आप इस शेयर की तरफ ध्यान दे सकते हो और ये शेयर फिर आपको दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा तो थोड़ा सा यहाँ पर इस शेयर में भी ध्यान दे सकते हैं और इसके बाद एक और शेयर के रिलेटेड बातें करेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और बेहतरीन स्टॉक्स है यहाँ पर कौन सा स्टॉक है ये है कार ट्रेड कार ट्रेड की बात करूं तो आज के दिन में एंकर इन्वेस्टर का पीरियड थी क्या काम करती है ऑलरेडी इससे रिलेटेड हमने जब आईपीओ से रिलेटेड बात करी थी तब बताया था कि कंपनी ओल्ड uh, ओल्ड uh, अपन गाड़ियों को सेल करती है और uh, बेस सेलिंग कार्स uh, और यहाँ पर व्हीकल्स um, का

नजर आई है यहाँ पर देखें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं आज के दिन में देखें तो थोड़ी सी गिरावट थी और पिछले पांच साल में 20% के CAGR से कंपनी काम भी कर रही है अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की तो हेल्प लेनी है बट एक बार इस क्वार्टर के और रिजल्ट आ जाए उस टाइम आप इसके बारे में सोच सकते हैं बट अगर इसकी ग्रोथ देखते हैं तो देखिए तेईस करोड़ पच्चीस उनतीस बन हुए और यहाँ पर 2020 में 120 और यहाँ पर और बढ़ती हुई जा रही थी इनकी सेल्स ओके न्यू प्लेटफॉर्म है न्यू एकदम बिल्कुल नया बिजनेस है तो इसलिए यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कोरोना की वजह से थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया नेट प्रॉफिट जो घाटे में था वो प्रॉफिट यहाँ पर देखिए जनरेट करते हुए दिखाई दिया है हाइस्ट एवल यहाँ पर प्रॉफिट आया है रिजर्व uh, की बात करें रिजर्व सोलह सौ सो करोड़ के रिजर्व से पाँच करोड़ की बोराइंग है और यहाँ पर सात सौ करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तेरह करोड़ रुपये का यहाँ पर कैश है और यहाँ पर देखिए और भी कुछ पैरामीटर यहाँ पर चार पैटर्न नहीं दे रखा है बट अभी जब इसके रिजल्ट रिलेटेड सब चीज आएगी तो और यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर आएगी बताने का मकसद क्या है कि देखिए आज के दिन यहाँ पर इसके जो एंकर इन्वेस्टर्स है ओके okay, उनका पूरा एक महीने का एक लॉकिंग पीरियड होता है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दिया और इसमें वजह से आप देखिए तो देखिए शेयर यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया थोड़ा सा वन ज्यादा यहाँ पर शेयर नहीं गिरा बट ये न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस है तो ऐसे बिजनेस को ना मार्केट में बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया जाता है और ऐसे शेयर को थोड़े बहुत टाइम में थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद ऐसे शेयर को बगाया जाता है इस चीज को याद दिखाइएगा देखिएगा क्योंकि इसी तरीके का अगर हम बात करें नजारा टेक्नोलॉजी भी था नजारा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें देखिए मार्केट में ये शेयर आ, आया था ओके एग्जांपल दे रहा हूं एक जस्ट देखिए आया था थोड़ा कंसोलिडेशन किया ओके okay, और फिर उसके बाद जब ये भागना शुरू किया तो मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था और यहाँ पर ही बताया था और आज की डेट में हाई टाइम हरी मतलब यहाँ पर बात करें ऑल टाइम हाई पे शेयर चल रहा है तो इसी तरीके से इस शेयर की अगर मैं आपको बात करूँ कार ट्रेड की इसी तरीके का कुछ चार्ट पैटर्न ये भी बनाता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पर हिलेगा मतलब थोड़ा सा इधर उधर जाएगा और शेयर कब कब में ऊपर निकल जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगी और ऐसे शेयर को मार्केट में अप्रिशिएट किया जाता है अगेन बता रहा हूँ तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन अपने फाइन शेयर पे खुद की स्टडी वीडियो को लाइक करना है सीखना है और सीखने के बाद ही आपको कोई पोजिशन लेनी है सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस।